हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू BMR स्मार्ट लर्निंग। और आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ ब्रिज कोर्स यानी सेतु अभ्यासक्रम की मैथमेटिक्स की टेस्ट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो ये है मैथ्स की फाइनल टेस्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये है यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए। तो इसमें का फर्स्ट मैं रीड कर रहा हूँ। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए इज डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर से 0 है और 1, 2, 3 भी इन्वॉल्व है, तो इसे कहेंगे इंटीजर। तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन है इन ब्रैकेट 1, 2, 3 और आगे डॉट 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 मतलब कंटिन्यू। तो ये होगा नेचुरल नंबर का सेट। तो फर्स्ट का ऑप्शन होगा बी, मतलब आंसर होगा बी 1, 2, 3। अब देखते हैं सेकंड है, इफ़ p इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p स्क्वायर माइनस 9। तो p की वैल्यू दिए गए हमें 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और यहाँ पे p की जगह आ गया 9, तो 9 - 9 इज इक्वल टू हो गया 0। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर c यानी कि 0। अब देखते हैं थर्ड है, x प्लस y इज इक्वल टू 4 इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ y इज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें y की वैल्यू बतानी है, तो इसमें x की वैल्यू दी गई है 2। तो अगर हम x की जगह 2 रख दें तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2 + y इज इक्वल टू 4। तो 2 लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, तो ये पॉजिटिव है। राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू आएगा 2। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2। अब देखते हैं फोर्थ, इफ ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा रोम्बस। अगर चारों पेयर एडजेसेंट साइड के क्वाड्रिलेटरल के कॉन्ग्रुएंट है तो उसे रोम्बस कहेंगे। आगे देखते हैं, आगे फिफ्थ है, हाउ मेनी लाइंस आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स किसी कागज पे हमें निकाले गए हैं तो उसमें से कितनी लाइन पास होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। अब देखते हैं सिक्स्थ है, इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द इट्स थर्ड साइड कैन नॉट बी। तो अगर एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड का मेजर है 5 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड का मेजर है 1.5 सेंटीमीटर, तो इसके थर्ड साइड की मेजर ऑप्शंस में से कौन सी नहीं हो सकती, तो ये हमें पता लगाना है। तो दोस्तों, एक थ्योरम है जिसके मुताबिक जिसका अर्थ मतलब ये होता है कि अगर ट्रायंगल के 2 साइड दिए गए हैं तो उसकी एडिशन थर्ड साइड से बड़ी ही आएगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हमें उसमें से और क्वेश्चन में दिए गए मेजर्स में से सबसे बड़ा है 5 सेंटीमीटर तो, और सबसे छोटा है 1.5। तो 1.5 के साथ हम दिए गए ऑप्शन ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐड करते हैं 3.7 और 1.5, तो इसकी एडिशन 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आती है। तो ऐसे मैंने सारे ऑप्शन करके देखे और जो लास्ट ऑप्शन है 3.4 सेंटीमीटर, ये इसकी अगर आप एडिशन करेंगे 1.5 के साथ तो इसकी एडिशन 5 सेंटीमीटर से कम आएगी। तो ये जो क्वेश्चन है सिक्स्थ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3.4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। फर्स्ट है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8। तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड है, फैक्टराइज x² - 25। तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रहा इसका आंसर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 40 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR इफ
एंगल आर इज ग्रेटर देन क्यू देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें हमें चार नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सी ट्रू है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर थ्री है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। उसका फर्स्ट है, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो इसमें हमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जिसको कहते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो इसके हिसाब से इसका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हैं राइट टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें अपने मन से कोई भी दो सॉल्यूशन इसके लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया है 6,1 इज द सॉल्यूशन एंड 8,-1 इज द सेकंड सॉल्यूशन। तो आप अपने मन से कोई भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, मतलब जिसकी एडिशन करने के बाद आना चाहिए 7, पॉजिटिव 7। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फाइंड द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार आएगा, इसका फाइनल आंसर है x प्लस 4 और x माइनस 7। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे फोर्थ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 sin 30° प्लस 3 tan 45°। तो सबसे पहले आपको मालूम होने चाहिए साइन और टैन के वैल्यूज। तो साइन 30° का वैल्यू है हाफ और टैन 45° का वैल्यू है 1। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ है, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो ये जो हमें फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए, मतलब दिए गए पॉइंट्स है पॉइंट ए बी सी और डी, तो ये कौन से क्वाड्रेंट या फिर कौन सी एक्सिस पर बिलोंग करेंगे, मतलब रहेंगे आएंगे। तो फर्स्ट है ए 12,0। तो इसे सॉल्व करने से पहले आपको पता होने चाहिए 4 क्वाड्रेंट्स और उसमें कौन कौन से साइन आते हैं, और अगर कोई एक्सिस पर आता है तो वो किस प्रकार आता है। तो उसे समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सीधी लाइन है वाई एक्सिस और टेढ़ी लाइन है एक्स एक्सिस। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं क्वाड्रेंट्स और उसके नीचे जो साइन दिए गए वो क्वाड्रेंट्स के साइन है। मतलब अगर फर्स्ट जो हमें नंबर दिया गया है, वो जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं उसमें से फर्स्ट जो नंबर है वो अगर पॉजिटिव हो और सेकंड भी पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड नेगेटिव हो और फर्स्ट पॉजिटिव हो तो सेकंड में, दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड में, और एक पॉजिटिव पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो फोर्थ में। तो इस प्रकार ये आता है। तो फर्स्ट में ए में है पहला पॉजिटिव है दूसरा ज़ीरो है, तो ये जो है ये आएगा एक्स एक्सिस पर राइट साइड में। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा एक्स एक्सिस। आगे बी है -5 और -2, तो इसका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड है सी 2,10, इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फोर्थ है डी 15,-18, तो इसका आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 cm, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 16 cm, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इस प्रकार आएगा। आगे बढ़ते हैं आगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी, फाइंड एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एन एंगल। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है और शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ दो ही सब क्वेश्चन है, तो इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 18 x + y = 7। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हैं इन द राइट एंगल ट्रायंगल एक्स मतलब वाई एक्स जेड एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री एक्स जेड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर वाई जेड इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन वाई कॉस वाई एंड टेन वाई साइन जेड कॉस जेड एंड टेन जेड। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा। यहाँ पे हमारी टेस्ट खत्म होती है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग स्मार्टली।